हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी अच्छे से कर पा रहे होंगे मेंस एग्जाम की। खैर, जो मेंस की आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं वो आरओ एग्जाम के लिए जुट जाइए। मैंने पहले ही बताया था, आरओ एग्जाम की नोटिफिकेशन आने वाली है अगस्त लास्ट वीक या सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक। तो नोटिफिकेशन की तैयारी मत वेट मत करिए, एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन वैसे भी स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने का। तो ये दो बुक्स हैं आपके सामने, ठीक है, जो मेरे पास पड़ी हुई हैं, जो मैं इस बार, ये नई बुक्स आई हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने हैं, एज इन सैम्पल पेपर्स हैं ये, और सॉल्व पेपर्स भी हैं, राइट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। और मुझे इसके बारे में काफ़ी बच्चों की मेल्स आ रही थी कि मैम कौन से पेपर्स लेने हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के लिए, क्योंकि आरओ एग्ज़ाम के लिए ना कहीं पे भी कुछ चीज़ें हैं नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत कम है, हिंदी मीडियम के लिए भरा पड़ा है सब भंडार। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ना जैसे कोई हेल्प करने वाला है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इंग्लिश मीडियम में, रिव्यू ऑफिसर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनका भी कुछ मटेरियल नहीं है। तो ये फिर मेरे को जो मेल्स आई तो उसके लिए रिगार्डिंग मैंने ये चीज़ पुटअप करने का सोचा आज, कि आप लोग सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना शुरू करिए। तो ये दो बुक्स हैं आपके पास, आप सामने देख पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहली जो पब्लिकेशन है आप ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका नाम नहीं है, क्या है पब्लिकेशन का आइडिया नहीं है मुझे, बट ये बुक देखने में ठीक लगी है। थोड़ा इसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, एक दो क्वेश्चन क्योंकि मैंने लगाए थे अभी, रीजनिंग का मैं ऐसे ही देख रही थी रेस्ट टाइम में, जब अभी अपना मेन्स का पढ़ के हटी थी तो मैं देख रही थी कि ये बुक कैसी है, बिकॉज मेरे ब्रदर ने भी एग्ज़ाम देना है, भैया ने देना है, तो बुक्स लाए थे ये दोनों। तो मैं अभी बताऊंगी, ये आप ये देख सकते हैं ये कौन सा पब्लिकेशन है पता नहीं है, ठीक है, बट इसकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, राइट। और ये है इसका आरओ ऑफिसर का सॉल्व पेपर्स हैं इसके 2011 टू 2021, ठीक है, सारे हैं इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, वन बाय वन। अगर मैं, अगर एक मिनट पेन से आप लोगों को दिखाऊँ, वन बाय वन इफ यू यू आर गोइंग टू सी, ये आपको जीएस 2021 का है, जीएस 2020 का है, ठीक है, आपका 2018 का है, 2016 का है, 2014 का है, 2013 का है, ठीक है। ये इस टाइम पे मेजर आपके एआरओ के पेपर हुए थे, आरओ एआरओ के, राइट। वही सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी भी होती है ना पहले तो। अच्छा, सिलेबस किन किन बच्चों को पता है ये ज़रा मुझे बताइए, आधे बच्चों को तो लगता है सिलेबस भी क्लैरिटी नहीं है ना, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं कल पहले सिलेबस ही डिस्कस कर लूँगी, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में ही आधी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, है ना। कोई भी पेपर का सिलेबस अगर आप अच्छे से पढ़ ले जाएँ तो, अगर आप उसकी जिस्ट समझ पा रहे हैं तो आधा तो काम वहीं पे आपका सॉल्व हो जाता है, ठीक है, आधा काम वहीं सॉल्व हो जाता है। आज ये शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, इसमें मैं आपको बस बता रही हूँ ये बुक्स का ऊपर ऊपर का लेआउट, आप इसको ले आइए। रिव्यू वगैरह इसको जो करना होगा वो मैं बाद में, मुझे टाइम लगेगा तो मैं कर दूंगी, बट आज की इस वीडियो में भी आपको हेल्प हो जाएगी, आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं स्पेशली कि कौन सी बुक लानी है। अच्छा, इनकी हिंदी मीडियम में भी आई है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गलतियाँ मुझे मिली हैं, स्पेशली इन रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना प्रिलिम्स में, उसके आंसर्स गलत हैं इस वाली बुक में। मैंने एक ही पेपर लगाया 2021 वाला, ठीक है, वो भी सिर्फ रीजनिंग का पार्ट है ना, मैंने बताया ना रेस्ट टाइम में मैं कर रही थी, भैया लेकर आए हैं, उन्होंने पेपर देना है ये, ठीक है, तो मैं वो चीज़ मैंने तब देखी, इसमें गलत है, इसमें सही है। यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स तो जस्ट लाइक घटना चक्र है, ठीक है, जिसको कहते हैं घटना चक्र की तरह, ये मतलब सबसे ज़्यादा फेमस रही है ये पब्लिकेशन, ठीक है, आपका यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का। तो इनकी बुक्स में एरर कम ही होते हैं वैसे तो, जो कहते हैं ना एक बेंचमार्क जो स्थापित किया है वो घटना चक्र ने ही किया है, ठीक है, उसके लेवल का तो कोई नहीं है, बट अगर देखा जाए एक सेकेंड ओपिनियन लेनी हो तो हम हमेशा यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स हम ले सकते हैं, राइट, यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स आराम से लिया जा सकता है। तो देख पा रहे हैं ये बुक आप, ठीक है, इसमें ना उत्तराखंड पीसीएस के भी पेपर्स दिए हुए हैं, तो यूजली क्या होता है उत्तराखंड पीसीएस के भी क्वेश्चंस आते हैं आरओ के पेपर में, इसलिए इन्होंने दे दिया, और ये इस लिहाज से ये बुक अच्छी है। इसमें क्या है, सिर्फ यूपीपीएससी वाले आरओ आरओ एग्जाम है, बट इसमें क्या है उत्तराखंड पीसीएस के भी क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है ना, वो तो ये बुक इससे इस मामले में बेहतर है, और इसमें क्वेश्चंस भी सही दिए हुए हैं, मैंने वही रीजनिंग का पार्ट इससे लगाया था और इसमें आंसर करेक्ट है, ठीक है। देखिए इसमें प्रीलिम्स एंड मेन सॉल्व पेपर है, ठीक है ना, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स है, आप ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स है, मैं पूरा एकदम बता रही हूँ आपको कंपैरिजन, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स है, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी इसमें लिखा हुआ है ओनली प्री लिखा हुआ है ना, ठीक है, इसमें सिर्फ प्रीलिम्स है, राइट, ओनली प्रीलिम्स इज देयर, बट इसमें एक अच्छा ये है कि इसने मॉडल पेपर दे दिया है, ठीक है ना। देखिए दोनों बुक्स इसीलिए मैं कह रही हूँ क्यों लेनी है, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉडल पेपर दिया हुआ है, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, यहाँ पे मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नहीं है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली में, है ना, तो
ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गया। तो नंबर वन तो यही है, इसमें मॉडल पेपर्स हैं, इसमें मॉडल पेपर नहीं है, इसमें मेंस के भी पेपर दिए हुए हैं, इसमें मेंस का पेपर नहीं दिया हुआ है। नंबर टू, नंबर थ्री, इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन जो मैंने 2021 का पेपर लगाया, बाकी तो मैंने देखा नहीं है, ठीक है, मेंस के बाद ही देखूंगी ये बुक मैं तो, ठीक है ना। तो भैया सॉल्व करेंगे, अगर उनको दिखता है कुछ गलत वगैरह तो मुझे बताएंगे, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अभी के लिए मैंने 2021 का देखा है। तो पॉइंट नंबर थ्री डिफरेंस यही है कि ये थोड़े एरर्स हैं, इसमें एरर नहीं है, ये एररलेस है, राइट, ठीक है। लेकिन उससे इस बुक का कोई महत्व कम नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें मॉडल टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, वो इसमें नहीं है। और यही दोनों अब तक की बेस्ट बुक दिखी है मार्केट में, ठीक है, आरओ आरओ के लिए, और अभी तक कोई आई भी नहीं है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो घटना चक्र भरी पड़ी है, तथ्य सार वाली जो पूर्वालोकन है ना उनकी, विद नोट्स प्रॉपर, वो है। इंग्लिश वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए यही है कि मैं टाइम निकाल के एक एक टॉपिक जो है, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं हिंदी में, बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पर्यायवाची विलोम शब्द, ठीक है, विशेषण जो है, तत्सम तद्भव तो बहुत अच्छे से करना होगा। तो मैं वो सीरीज भी सोच रही हूँ, ठीक है, टाइम निकाल के 10 10 15 15 मिनट अपना जो मैं रेस्ट टाइम करती हूँ, उसमें से एक एक वीडियो बना के आप लोगों की हेल्प के लिए कर दूंगी, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा, तो वो हेल्प हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। रोज 9:30 बजे रात को आप ये देख सकते हैं, मुझे अगर टाइम लगा तो मैं बीच में कभी सुबह में भी एक डाल दूंगी। सुबह का आपको कौन से टाइम पर वीडियो चाहिए मुझे बताइएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं मेहनत भी करूँ, ठीक है, आप लोग उसको देख भी ना पाओ, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं है अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का, ठीक है। तो मैं बहुत सीधी सीधी बात बोल रही हूँ, आप लोग देख पाएंगे वीडियोस, देख पाएंगे, आपको ज़रूरत है, जैसा मुझे मेल्स आ रही हैं तो मैं उस पर कर रही हूँ काम, ठीक है। अब आगे आप लोगों की जिम्मेदारी है कि मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ इतने, तो आप भी उन एफर्ट्स को ध्यान में रखते हुए उतना मेहनत करिए और वीडियो को देख लिया करिए, ठीक है। जो भी डाउट हो उसी कमेंट सेक्शन में बताया करिए, क्योंकि मेल्स आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है ना, मैं बता दूँ पहले, ठीक है, नहीं टाइम मिल पा रहा है। मेल्स मैं पढ़ जरूर लेती हूँ, रिप्लाई करने का मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, पढ़ती भी एक दिन बाद ही हूँ, ये समझिए, ठीक है। तो आई होप इतना आप समझेंगे मेरी सिचुएशन को, ठीक है। ये सब भी मैं इसलिए भी बना दे रही हूँ बिकॉज रेस्ट टाइम तो करती हूँ, ठीक है ना। कभी कभी डर भी लगता है, कई कई लोग बोलते भी हैं कि आप ऐसे कैसे कर रहे हो, ठीक है, कहीं आपका उधर ना बिगड़ जाइए, वो सारी चीज़ें, पता नहीं अब बिगड़ेगा बनेगा वो तो भगवान देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का इतना आता है सपोर्ट, इतना प्यार आता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि भाई अगर मेरे से होप है, मुझसे एक्सपेक्टेशन है सबकी, तो एटलीस्ट मैं भाई उस चीज़ में खरी उतरूँ, ठीक है, मैं हेल्प करूँ आप लोगों की, है ना। क्योंकि वैसे भी क्या है ना कि आदमी सोचता है कि यार चलो किसी की उंगली पकड़ के ही मतलब राह पार कर लें, तो वही चीज़ होती है, ठीक है। और टाइम पे अगर वो गाइडेंस नहीं मिलती है तो दिक्कत बहुत होती है, मैंने वो चीज़ देखी है ना। तो देखिए प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, इसमें देखिए 2021 का दिया हुआ है, 2020 का दिया हुआ है, 2017, 16, 13, 10, 1, इवन 2001 का यूडीए एलडीए का भी दिया हुआ है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं आपकी बार यूडीए एलडीए का जो पेपर हुआ था, है ना, आप देख सकते हैं इसमें, तो उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। फिर मेंस एग्जाम भी दिया है इसमें 2022, 2020, 2019, 2013, 2010 का, ये इन्हीं टाइम में वैकेंसीज आई थी, ये भी मैं बता दूँ। तो अब की बार एकदम जी जान लगा देनी है, क्योंकि अगली बार पता नहीं कब आएगी, पहले मैं बता रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। देख सकते हैं आप गैप कितना ज़्यादा गैप है, ठीक है, एक के बाद 10, 10 के बाद 13, 16, सीधा 20, ठीक है, 4 साल लगा दिए, 5 साल, इनफैक्ट 2021 में तो हुआ था पेपर। ये देखिए ये है आपकी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाली, सबसे सही चीज़ है। अच्छा, इनकी अदर बुक्स भी हैं, ये आप देख सकते हैं, तो हिंदी मीडियम वाले। अच्छा ये देखिए, ये प्रैक्टिस बुक आई है आर ओ आर ओ की, बट वो 2022 की थी, ठीक है, 2022 प्रारंभिक परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय आपका जो प्रश्न पत्र है, सॉल्व पेपर्स 2022 2023 की ये आई है, ये वाली न्यू है, लेकिन वो 2022 2023 की है, 2023 2024 की है, तो ये न्यू एडिशन है, ये लीजिएगा, ये लाल वाली रहने दीजिएगा, ठीक है, जो लाल वाली दी हुई है आपके पास, लाल वाली दी हुई है ये रहने दीजिएगा, ये ब्लू वाली एडिशन लीजिएगा जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। और ये हिंदी की इनकी बुक है आर ओ आर ओ की, और ये इन्हीं की समीक्षा अधिकारी इनकी प्रैक्टिस बुक है, ठीक है, तो ये पिछले साल वाली है, आप देख सकते हैं अगर आपको चाहिए। ये हिंदी मीडियम में ही है भैया, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो बड़ा धोखा है, क्या करें, इसलिए भी और मुझे बनानी पड़ रही वीडियो, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ ना, तो समझ सकती हूँ चीज़ें। ये UPPCS की है, इंग्लिश मीडियम में है ये, तो ठीक है। तो ये इनका इंडेक्स है, आप देख लीजिए एक बार सरसरी निगाह से, 2021 का जैसे मेंस का इन्होंने पहले दिया है, जनरल स्टडीज़ जनरल हिंदी, फिर इसके बाद इन्होंने प्री का दिया है, सेम वही GS और हिंदी, फिर वैसे ही मेंस 2016, प्री 2016, 2017, 2017, ऐसे ही चलते चलते 2010, फिर वही इनका UKPSC। ये आपको पेपर ज़रूर देख के जाने हैं, ये छोड़ना नहीं है देखो, क्योंकि उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड PCS भी आर ओ आर ओ का करवाता है, तो पक्की बात है इससे क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लीजिए, ठीक है, कोई ये चीज़ बताता नहीं है, मैं बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिए आप, ठीक है।
ये देखिए ये बढ़िया है, ये किताब मुझे सही लगी है क्योंकि ये मेरे भैया के हाथ लगी है इसलिए वो इसमें गोदा गादी नहीं कर रहे हैं। मेरे हाथ लगी होती तो मैं तो भैया हाईलाइट वाईलाइट सब करके छोड़ती हूँ। देखा ही होगा आपने मेरी पीसेस वाली बुक को क्या हाल करके छोड़ा है मैंने। ठीक है, खैर सबकी अपनी अपनी आदत होती है, भैया साफ सुथरा रखना चाहते हैं, मेरी आदत नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बोल रही थी, जैसे ये क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर, ठीक है ये दिया हुआ है। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं काउंट करने बैठ जाते हैं ना, मैंने बताया था ना कि मैंने क्वेश्चन देखा था कि कौन सा इस वाली बुक में गलत है आंसर्स और इसमें सही है रीजनिंग का। देखिए इसमें काउंट नहीं करना होता, जब भी ऐसे फिगर आती है ना, ठीक है सीधा सीधा हिसाब किताब रहता है। यहाँ पे आपके कितने पार्ट्स हैं, एक दो तीन चार, चार पार्ट्स हैं दो डायगोनल, ठीक है तो एक स्क्वायर में कितने ट्राइंगल हुए, आठ। चल ही नहीं रही है, रुकिए पेन दूसरी ले लेती हूँ। सिंपल हिसाब किताब होता है, अगर आपके पास ऐसे स्क्वायर दिया हुआ है दो डायगोनल हैं तो ट्राइंगल कितने हुए, चार, चार बने ना आपके सामने अभी, एक दो तीन चार, डायगनल्स कितने हैं दो, तो फोर इंटू टू टोटल ट्राइंगल्स एट हैं स्क्वायर में। इसी तरीके से इस स्क्वायर में एट हो गए, आठ आठ सोलह हो गए, एक ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, तो ऑप्शन एक 18 ट्राइंगल वाली एक ही दिख रही है तो आंसर डी इसका सही है, ऑप्शन डी। ठीक है, और तीन स्क्वायर हैं ये बिकॉज एक स्क्वायर ये एक स्क्वायर है और ये बड़ा वाला रेक्टेंगल। ये आपको पता ही होगा कि ऑल आपका जो है ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यही है, हर स्क्वायर एक रेक्टेंगल तो होता ही है ना, बट एक हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता। तो देखिए इसने आंसर डी दिया हुआ है, ठीक है सीधा सीधा हिसाब दिया हुआ है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन इस वाली बुक में देख लेते हैं। मैं पूरा रिव्यू ना आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, आपको जो चाहिए पहले कल की वीडियो में सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, है ना, वो मैं टैब में आपको अच्छे से समझा दूंगी। अच्छा ये बुक इसलिए भी अच्छी है, इसमें देखिए फैक्ट्स दिए हुए हैं यूपी के, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये मैं रिव्यू कर दूंगी आपको, इस बुक का ये रिव्यू कर दूंगी। देखिए बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह दिए हुए हैं। देखिए ओडी ओपी, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इसमें से, कौन से डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है, कुछ भी आ सकता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एंड लोकेशन, वन लाइनर वन पॉइंटर्स दिए हुए हैं। ये बुक अच्छी है इसीलिए, इसीलिए तो दोनों बुक लेके आए हैं, ठीक है मैं इसीलिए दोनों बुक लेके आई, ठीक है भैया के लिए अपने, तो ये दोनों बुक हेल्पफुल है। आप सब भी मेरे भाई बहन हैं तो आप भी प्लीज़, ठीक है मैं कोई फर्जी गाइडेंस नहीं कर रही हूँ, आप लोग देखिए इसको, ठीक है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। देखिए शॉर्ट पॉइंट्स में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स दिए हुए हैं, बहुत बढ़िया किताब है ये देखिए, ठीक है तो ज़्यादा कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे इसमें से भी कर लेंगे ना, तो वन पॉइंटर्स वन लाइनर सही हो जाएंगे, उसके बाद राकेश सारस्वत से कर लीजिएगा, नहीं तो यूपी तथ्य सार जो घटना चक्र की थी वो तो बढ़िया है ये किताब, है ना। ये मेजर फेस्टिवल ही देखिए ये भी दिया हुआ है, इसमें ये सब आता है ना, लैंग्वेजेस स्पोकन ये सब आता है, है ना ये सब आता है क्वेश्चन। देखिए निक नेम, मेजर इंस्टीट्यूशन, स्टेट यूनिवर्सिटी क्या हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ क्या हैं, तो ये सब आता है, क्वेश्चन आता है ना। ये देखिए इंपॉर्टेंट ट्राइब्स यूनिवर्सिटीज़ ये सब आती हैं चीज़ें, ठीक है। अब देखिए ये है प्री का पेपर, अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन पे, ये देखिए यही था ना क्वेश्चन वाला, ठीक है इन्होंने आंसर सी दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है तो ऐसे एकदम ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है किसी भी बुक को, आप देख सकते हैं ये आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये है एक स्क्वायर, मैंने जैसा बताया था पार्ट्स कितने हैं, वन टू थ्री फोर, फोर इंटू टू डायगनल्स टू, फोर टू ज़ा एट, आठ यहाँ हो गए, सेम यही आठ यहाँ हो गए, सोलह ये सत्रह बड़ा वाला अठारह, ठीक है अठारह ट्राइंगल्स आएंगे, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन है। तो यही मैं बता रही थी कि ये मैंने रीजनिंग का क्वेश्चन देखा था जो इसमें गलत था, तो ये थोड़े से एरर्स वाली बुक है जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है, बाकी बाद में देखूंगी अभी तो टाइम है नहीं, भैया सॉल्व करेंगे वो बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके सामने, ये दो बुक्स हैं, दोनों बुक्स फटाफट जाके ले आइए अगर लेके नहीं आई है अभी तक आपने, यही दोनों बुक्स इनफैक्ट बेस्ट अवेलेबल हैं इस टाइम पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और कोई बुक आई भी नहीं है, ठीक है। मुझे हिंदी के लिए पूछ रहे थे सभी कि मैम हिंदी के लिए बताइए, मीन्स हिंदी के लिए क्या करना है, तो हिंदी के लिए ये वाली बुक है जो मैं कर रही हूँ, ठीक है रिकमेंड करूँगी। इनफैक्ट ये तो मैंने थोड़ा बहुत मेंस के लिए भी कर लिया था, पीसीएस मेंस के लिए, उसके लिए अपना, ठीक है पीसीएस के लिए भी, प्रीलिम्स के लिए भी किया था। और एक ये वाली बुक है सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन, ये भी बहुत बढ़िया है पीसीएस के लिए भी, ठीक है बढ़िया है ये भी मेंस वगैरह के लिए, प्रीलिम्स के लिए, है ना, अदरवाइज अराउंड समीक्षा अधिकारी के लिए ये दोनों बुक, ये बुक और ये वाली बुक दोनों ले आइए, ठीक है। टेबल मेरा ऐसे ही रहता है आप देख सकते हैं, ठीक है इस हिसाब से, ठीक है ये मैं छोटे छोटे अपने लिख के ऐसे लगाती रहती हूँ, ठीक है ना। तो ये है सारी चीज़ें, ये हिंदी वाली मैं भाई एक एक करके वीडियो बना पाऊँगी, है ना, तो ये हिंदी वाली मैं
नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बट कल की वीडियो में सिलेबस वगैरह पूरा चलेगा, सारी चीज़ें ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों के सामने हैं ये सारी चीज़ें, ये दोनों बुक्स आप ले आइएगा, जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, जैसा भी सारी चीज़ें, ठीक है। इन दोनों को बुक्स को ले आइए और फिर उसके बाद इन दोनों बुक्स को रिव्यू कर दूंगी मैं, और फिर इन्हीं से क्वेश्चन उठा उठा के लगाना शुरू करिए, है ना। मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो लगाइए, और एक बार मेंस हो जाए मेरा भी तो फिर उसके बाद फुल फ्लेश्ड इस पे रुकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये पेपर होना चाहिए फेब्रवरी अराउंड, अब ये नवंबर में गलती से भी ना ले लें, नहीं तो बहुत बच्चों के लिए शॉकिंग हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खाना खा लीजिए, टाइम हो गया डिनर का, गुड नाइट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन ओपन है ये, आप देख सकते हैं। और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है यार किताब, ये देखिए, ये देख सकते हैं 290 की है बुक, ठीक है, सिंपल है, और ये 495 की है, ठीक है, तो इतना कुछ महंगा भी नहीं है, और इस पर ऑफ भी मिलता है यूजली, बुक स्टोर्स वाले 30-30% कुछ ऑफ वगैरह लगा भी देते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।